वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं किंजल और मेरी चैनल पे आपका स्वागत है गाइस। आज का जो वीडियो है एक बैग हॉल वीडियो है, हर टाइप की बैग है इसमें, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और इसकी जो सारी बाइंग लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप जाके बाय कर सकते हो। ये अमेजोन से मैंने बाय की है और बहुत सारी बैग है, बहुत बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है गाइस। चुन चुन के लाई हूँ आप लोगों के लिए। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे बैग हॉल्स किए हैं जिसके वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और मेरी चैनल पे जाके भी आप चेकआउट कर सकते हो क्योंकि मैं हर टाइप के हॉल्स करती हूँ। तो आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो वाले जो हॉल्स या वो वाले वीडियो भी आप देख सकते हो, मैं हर टाइप के वीडियो करती हूँ गाइस। स्किन के, हेयर के, मेकअप के, हॉल्स के, रिव्यूज के बहुत सारे करती हूँ, तो आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप जाके मेरी चैनल पे चेकआउट कर सकते हो गाइस। और अब हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाए। आप लोगों की रिक्वेस्ट भी मैं पूरी करती हूँ गाइस, तो आप लोग भी मुझे इतना ही सपोर्ट कीजिए। आप लोगों की कोई रिक्वेस्ट है और कोई लिंक है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, क्योंकि आप जो लिंक नीचे डालोगे तो वो नहीं आएगी, वो स्पैम में जाती है, जो आपका मैसेज ही नहीं दिखेगा, मतलब कि आपके कमेंट वीडियो के नीचे ही नहीं दिखेगा। तो आप मुझे मेल कर सकते हो तो वहां से मुझे इजी रहेगा। अगर आप बोलोगे कि ये करो वो करो तो वो मैं करूंगी, डेफिनेटली करूंगी। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर कोई चीज का रिव्यू चाहिए कि हाँ ये वाली प्रोडक्ट का ही, तो आप मुझे मेल कर सकते हो और मैं सबके मेल का, सबकी कमेंट का जब भी पॉसिबल होता है मैं रिप्लाई करती हूँ, हर बार रिप्लाई करती हूँ। सो आप कर सकते हो। अब हमारे हॉल को स्टार्ट करते हैं। आज के हॉल में बहुत सारे पर्स हैं, हर टाइप के हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो बैग है वो इस तरह का है, ब्लैक कलर का है और बहुत अमेजिंग है, बहुत स्टाइलिश है, आप देख सकते हो। क्लोजअप दिखाती हूँ, तो क्लोजअप में इस तरह का उन्होंने ऐसी पैटर्न दी है, यहाँ पे गोल्डन कलर के जो बटन टाइप आता है ऐसी पैटर्न दी है उन्होंने, जिसकी वजह से बहुत अच्छा लगता है। पॉपअप हो रहा है, आप देख सकते हो, पूरा प्लेन होता है तो इतना पॉपअप नहीं होता है, यहाँ पे पैटर्न है इसकी वजह से थोड़ा सा पॉपअप होता है, जो बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्टाइलिश लगता है। इसमें इन्होंने टोटल 4 बेल्ट दिए हैं, 2 है वो ऐसे सिंपल वाले दिए हैं और 2 जो है ऐसे मेटल वाले दिए हैं, तो आपको जैसे कैरी करना है वैसे पकड़ के कर सकते हो। और यहाँ पे भी दिया है, तो ये जो है ये कॉम्बो वाला है, तो सेपरेट बेल्ट यहाँ पे लगा के आप लॉन्ग बैग की तरफ भी इसको कैरी कर सकते हो। ये इसकी जीप है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये वाला बहुत प्यारा है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है। अगर आप बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो, इस तरह का कॉम्बो है। अंदर के जो साथ में कॉम्बो आया है वो मैं निकाल देती हूँ ताकि आपको अच्छे से इसकी स्पेस का पता चले। देखो इतना बड़ा है, हाँ ये 1 कंपार्टमेंट ही है लेकिन बहुत बड़ा है, देखो आप अंदर से, और अंदर का फैब्रिक भी देखो। तो मुझे ये वाला पसंद आया है, सॉरी, बहुत अच्छा है। इसके साथ सीलिंग बैग आई है इस तरह की, मीडियम साइज की है। इसका भी मटेरियल जो है पीयू है, पोली यूरेथीन वाला, जो बोला था मैंने, हर किसी में मोस्टली 99% पीयू ही होता है, यानी कि पोली यूरेथीन वाला ही होता है। ये इसका सीलिंग बैग साथ में आया है, यहाँ पे आप देखोगे तो बेल्ट लगा सकते हो, सेपरेट बेल्ट आता है। ये इसकी जीप है, मैं खोल के दिखाती हूँ, मीडियम साइज का है, मीडियम टू लार्ज भी बोल सकते हैं, उस टाइप का है, बिल्कुल छोटा नहीं है। ये बेल्ट आया है, आप देखो अंदर का फैब्रिक भी, आप देखो सेम है जो बड़े वाले में था वही छोटे वाले में भी है, रेड कलर का अंदर का जो फैब्रिक है वो। और ये बेल्ट है, इसमें भी आप लगा सकते हो, इसमें भी लगा सकते हो। ये कॉम्बो मुझे नहीं याद है लेकिन 400-500 समथिंग में पड़ा है, इतने में ही पड़ा है गाइस। ये इसकी ब्रांड जो है वो और इसकी प्राइस जो है वो मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी। बहुत सारा स्टफ साथ में बाय करती हूँ, किसी की याद नहीं रहती, ना ही ब्रांड याद रहती है, ना ही क्या बोलते हैं प्राइस याद रहती। ब्रांड नहीं, कोई कोई पर्स होते हैं जिसमें ब्रांड का नाम लिखा होता है, बाकी कोई पर्स में नहीं लिखा होता तो नहीं पता होता। तो जो भी है वो बेटर है कि मैं देख के बाद में आपको स्क्रीन पे दूँ ताकि सही ब्रांड और सही प्राइस आपको मिले। तो ये वाला मुझे पसंद आया। उसके बाद जो है वो मेरी फेवरेट है, ये ब्रांड मेरी फेवरेट है, बहुत सारी ब्रांड मेरी फेवरेट है। एक्चुअली मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ क्योंकि बहुत सारी ब्रांड है वो अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छी क्वालिटी देती है। तो ये है फॉस्टेलो करके, फॉस्टेलो, हाँ इसमें लिखा है तो पता चलता है, जिसपे लिखा होता है उसमें पता चलता है, नहीं लिखा होता तो फिर नहीं पता चलता, इस तरह का है।
अमेजिंग बैग है, अमेजिंग और स्टाइलिश है, रेड कलर का है, मेरी लिपस्टिक से मैच होता है, ब्राइट रेड कलर की लिपस्टिक है और ये भी ब्राइट रेड कलर का है और बहुत ही प्यारा है और ये मीडियम साइज का है, बिल्कुल छोटा नहीं है। इसका जो बेल्ट है बहुत स्टाइलिश है, बहुत स्टाइलिश है। यहाँ पे उन्होंने अपना लोगो दिया है ब्रांड का और साइड से देखो कितना ब्रॉड है इसके साइड से, और नीचे से देखने से आपको पता चलेगा कि अंदर कितना सारा सामान आ सकता है। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। और वन मोर थिंग कि इसमें कंपार्टमेंट भी ज्यादा है, जिन लोगों को ज्यादा कंपार्टमेंट चाहिए होते हैं सेपरेट 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 चीजें रखने के लिए, उनके लिए भी ये वाला बढ़िया है। इसमें तीन है, 1, 2 एंड 3। मैं जिप खोल के दिखाती हूँ आपको तीनों का, ठीक है। और इसके अंदर जो कागज है पेपर्स है मैं निकाल देती हूँ ताकि आपको स्पेस दिखा पाऊं। बहुत सारे पेपर है जो इन्होंने डाले हैं, ये सारे जो है मैं आपके सामने ही खोलती हूँ गाइस, मैं पहले नहीं खोलती हूँ, तो पेपर वगैरह अंदर ही होते हैं। वीडियो जब मैं शूट करती हूँ तभी ऑन ये वाली कोई भी प्रोडक्ट मोस्टली मैं तभी देखती हूँ, तो मुझे खुद भी नहीं पता होता है। पूरी पेपर की दुकान निकली है इसमें से। देखो ये वन कंपार्टमेंट है अंदर का, आप फैब्रिक देखो और उनकी ब्रांड का लोगो भी प्रिंट किया हुआ है अंदर, और बेज कलर यहाँ ऑफ व्हाइट नहीं पर हाँ ऑफ व्हाइट कलर समथिंग बोल सकते हैं उस कलर का। देखो ये एक कंपार्टमेंट है, ये दूसरा वाला कंपार्टमेंट, ये तीसरा वाला कंपार्टमेंट। यहाँ पे जीप वाला एक पॉकेट दिया है जिसमें छोटी छोटी चीजें आ जाएगी आपकी इजीली, सेपरेट रख सकते हो कार्ड कीज वगैरह जो बोलते हैं, थोड़ा हमारा टचअप का सामान होता है वो भी आ जाएगा, छोटी छोटी लिपस्टिक अगर छोटी काजल होती है तो भी आ जाएगी। और पीछे भी दिया है, यहाँ पे एक पॉकेट दिया है, आगे जैसे बेल्ट की पैटर्न है वैसे ही पीछे भी बेल्ट की पैटर्न है। और पीछे वाला जो है वो थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे, नहीं मीडियम साइज ही है, वेट 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 नहीं थोड़ा बड़ा है। हाँ काजल वगैरह आ जाएगी जो लैक्मे की आती है ना, पेंसिल टाइप लैक्मे की जो आती है रोल ऑन वाली वगैरह आती है, उतनी लंबी लंबी चीजें जो आती है वो इजीली आ जाएगी, वो टाइप का है। तो यस है मेरी तरफ से ये वाला, तो बिग यस है, ये ब्रांड बहुत अमेजिंग है। एक वो और भी है स्पीडएक्स का, तो आपको पता ही है, लेकिन वुमन मार्क्स करके जो है वो वुमन मार्क्स की फर्स्ट कॉपी में भी बनाता है, में भी होती है उसमें ऐसा कुछ है, तो वो बहुत अमेजिंग है। उसके बाद जो है ये वाला पर्स है, ये टैन कलर का है जैसे आप देख रहे हैं, और आगे इसमें ऐसे ऐसी पैटर्न दी गई है और यहाँ पे टैसल लगाए गए हैं इस तरह का है। इसकी प्राइस बहुत कम थी, आई थिंक बहुत अफोर्डेबल प्राइस थी, मैंने बाय किया था तब मुझे याद नहीं है इसीलिए मैंने बाय किया, बट प्राइस अकॉर्डिंग ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है, बट सो है। आप जैसे कैसे बोल सकती हूँ मैं, आप जैसे फुटपाथ वाले जो बैठते हैं उनके पास से जो क्वालिटी का पर्स आप बाय करते हो 200-300 में 400 में उस टाइप का है, जो लोग बाय करते हैं वो समझ गए होंगे कि किस टाइप का है। ये मुझे ठीक ठीक पसंद आया है, इसका कलर टैन है लेकिन ये वाली प्रिंट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत ही चीप क्वालिटी जैसा क्वालिटी चीप नहीं है लेकिन प्रिंट की वजह से मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। ये 1 और 2 कंपार्टमेंट है, जो सही है वही बोलूंगी गाइस, क्योंकि आपके पैसे ना वेस्ट हो। ये वाला जो है वो फर्स्ट कंपार्टमेंट है, ये वाला है वो दूसरा है, बहुत बड़ा है अंदर से तो बहुत बड़ा है, जिन लोगों को बहुत बड़ा चाहिए साथ में ही चीप प्राइस चाहिए या बहुत बहुत अफोर्डेबल प्राइस चाहिए उनके लिए यस है। मुझे पर्सनली थोड़ा कम पसंद आया है, हर किसी की चॉइस अलग अलग होती है। और अंदर वो भी ये जिप दी गई है, छोटा सा पॉकेट दिया है, यहाँ पे भी आप छोटी छोटी चीजें रख सकते हो। इसके पीछे भी ऐसा दिया है, पॉकेट एक दिया है, अंदर का फैब्रिक तो मैंने आपको दिखा ही दिया, सेम है ऑफ व्हाइट कलर या बेज कलर बोल सकते हो इस तरह का है, लेकिन ठीक है इतना अच्छा नहीं लगता है, मुझे नहीं लगा। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में जानना है, जरूरी है तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा। थोड़ा सा क्वालिटी लो लग रही है लेकिन प्राइस भी ऐसा ही है, तो इतने प्राइस में इतना ही मिलेगा, समझ सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में यही था, आपको कौन सा वाला ज्यादा पसंद आया है वो मुझे जानना है, नीचे कमेंट करके बिल्कुल बताना मत भूलिएगा।
और एक तो गर्मी बहुत लग रही है क्योंकि अभी गर्मियां चल रही है, और ऊपर से मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो फैन ऑफ रखती हूँ ताकि आपको आवाज क्लियर आए। मेरे पास अभी माइक नहीं है तो इसीलिए देखो पसीना पसीना हो जाती हूँ, हर वीडियो में पसीना पसीना हो जाती हूँ, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है, आप लोग बहुत प्यारे समझ सकते हैं। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।